शिवपुरी जिला अस्पताल में युवक की मौत, परिजनों ने स्टाफ पर लगाया अभद्रता का आरोप। शिवपुरी जिला अस्पताल में इलाज से पहले एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद फरजान युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज करने की जगह अस्पताल में मौजूद स्टाफ मरीज के परिजनों से अभद्रता करने लगे, जिसके कुछ समय बाद ही युवक ने बिना उपचार के ही जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक के भाई इंदल आदिवासी निवासी गणेश खेड़ा ने बताया कि उसके भाई लक्ष्मण आदिवासी की रात में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने इलाज करने की जगह परिजनों के साथ अभद्रता की। इस दौरान समय पर इलाज नहीं मिलने पर युवक की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी अस्पताल स्टाफ द्वारा मरीजों के परिजनों के साथ अभद्रता के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं होने से अस्पताल स्टाफ के हौसले बुलंद बने हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हो गई? हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ, कुछ तकलीफ ऐसी ना साथ ले थी, मैं वैसी परेशानी आ रही थी, उन्हें महसूस हुआ के। क्या नाम था भाई का? लक्ष्मण, लक्ष्मण आदिवासी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो जय हमला अस्पताल पे, तो हमने सिस्टर ने नहीं सुनी ना डॉक्टर ने, पूरे नहीं सुनी। कितने बजे लाए थे? रात में 11-12 बजे। फिर सुनी नहीं आता थे, फिर से कहीं सुबह बोले कहीं इधर से तो लाए, उधर से लाने आई थी, तो फिर भाई झगड़ा कर लगे आधा घंटा बनने वही कर ला स्टाफ ने। हाँ, तुम्हारे साथ गाली गलौज भी करी है? हाँ, धक्का मुक्की हुई है। हाँ, फिर कहा के तबियत तो नहीं सुनी जान, फिर भी बाद में खत्म होगा जब जान कपाल कर रहा है चीज में। फिर उसके बाद क्या हुआ? खत्म हो गए भैया? पीएम करा रहे हो?